फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 की ट्रेडिंग विंडो शुरू होते ही सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपने प्लेयर्स ट्रेड किए थे। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के साथ मयंक मारकंडे ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल किया था, वही रदरफोर्ड मुंबई इंडियंस को दिया था। इसके बाद आईपीएल 2020 का दूसरा ट्रेड भी दिल्ली कैपिटल्स करने वाली है। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स अजिंक्य रहाणे को राजस्थान रॉयल्स से लेकर अपनी टीम में ट्रेड करके शामिल करने वाली है। इसके बाद आईपीएल 2020 का तीसरा ट्रेड भी दिल्ली कैपिटल्स ही करने वाली है। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को ऑफर दिया है कि वो रविचंद्रन अश्विन को ट्रेड करना चाहती है और अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, और इस बात के 80-85% चांसेस है कि अश्विन आ जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स में और 2020 का सीजन खेलेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या है दिल्ली कैपिटल्स के इतने सारे ट्रेड करने के पीछे रीज़न, जबकि बाकी टीमों ने तब तक एक एक ट्रेड भी नहीं किया है? ये रीजंस मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का सीज़न, तो नीचे कई लाइक का बटन दिया होगा उसको जरूर दबा दें और हमारे चैनल को जरूर कर दें सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ट्रेड दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के साथ किया था। दरअसल मुंबई इंडियंस के मयंक मारकंडे को अपनी टीम में लिया था। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मयंक मारकंडे एक इंडियन प्लेयर है। इसके मयंक मारकंडे टीम में आ जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स को संदीप लामिचानी को मैच में नहीं खिलाना पड़ेगा। संदीप लामिचानी एक ओवरसीज प्लेयर है, यानी एक ओवरसीज प्लेयर्स को वो कर देते हैं ब्लॉक, यानी इसके अलावा फिर तीन ही प्लेयर उन्हें खिलाने पड़ते हैं अपनी टीम में। अगर संदीप लामिचानी को दिल्ली कैपिटल्स नहीं खिलाएगी तो उन्हें चार प्लेयर्स खिलाने का पूरा मौका मिल जाएगा और संदीप लामिचानी की जगह वो मयंक मारकंडे को खिला लेंगे प्लेइंग 11 में। इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स को। ये फ्यूचर के बारे में सोचकर दिल्ली कैपिटल्स ने रणनीति बनाकर किया है ट्रेड, जो कि काफी बेनिफिशियल होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। वही इसके बाद बात करते हैं दूसरे ट्रेड की, यानी अजिंक्य रहाणे की। तो अजिंक्य रहाणे भी आने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स में, और अजिंक्य रहाणे को अपनी टीम में शामिल करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होने वाली है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे एक इंडियन प्लेयर है, उसके अलावा एक टेक्निकल प्लेयर है। दिल्ली कैपिटल्स में काफी सारे स्लोगर, अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, हनुमा विहारी की, कोलिन इनग्रम की, तो अगर एक दो विकेट लगातार हो जाते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स में शिखर धवन को छोड़कर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो अजिंक्य रहाणे के दिल्ली कैपिटल्स में आ जाने के बाद इनको काफ़ी बेनिफिट होगा और अजिंक्य रहाणे हर मैच खेलेंगे प्लेइंग 11 में, ये बात भी कंफर्म्ड है। वही इसके बाद बात करते हैं तीसरे ट्रेड की, यानी रविचंद्रन अश्विन को टीम में लाने के पीछे रीज़न की। तो दिल्ली कैपिटल्स इस बार अपनी टीम में काफ़ी सारे ऑलराउंडर शामिल कर रही है। दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑलरेडी एक स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल टीम में थे, इसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स अश्विन को कर रही है ट्रेड। इसके पीछे रीज़न ये है कि T20 क्रिकेट में जिस टीम के पास जितने ज़्यादा ऑलराउंडर होते हैं उतने ज़्यादा मैच जीतने के चांसेस बनते हैं। शायद दिल्ली कैपिटल्स इस बात को मद्देनजर रखते हुए अश्विन को कर रही है ट्रेड। अगर लगातार जल्दी विकेट हो जाते हैं तो अश्विन नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 तक बल्लेबाजी कर सकते हैं अक्षर पटेल के साथ। वो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करके मैच संभाल सकते हैं। इसके साथ अश्विन प्लस अक्षर पटेल दोनों मिलकर 8 ओवर इन्हें दे सकते हैं लगातार। तो इस रीज़न के कारण ही अश्विन को कर रही है दिल्ली कैपिटल्स ट्रेड। तो फ्रेंड्स, ये थे रीज़न तीनों प्लेयर्स को ट्रेड करने के पीछे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या तीनों प्लेयर ट्रेड करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए सही डिसीजन था या फिर नहीं। इसके साथ ही वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर है सब्सक्राइब।